जोहारा पीजी में ती मांड कारे के तिहबा मुर्गी मंगाई ए बालामू तिहबा बकरी मंगाई। जोहारा पीजी में ती मांड कारे के तिहबा मुर्गी मंगाई ए राजाऊ तिहबा बकरी मंगाई। जयाना पर देसमी बालामुआ जयाना पालायाना बालामुआ घर ही करा भई पालनावा। जयाना पालायाना में बालामुआ जयाना पर देसमी बालामुआ घर ही करा भई पालनावा। महिला सामूसे ले बैलौनावा जोहार पीजे से ले बई मुर्गी चे गानावा घर ही करा भई पालनावा। हाय दोस्तों, नमस्कार, जोहार। आप सब कैसे हैं? उम्मीद हम करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो चलिए आज फिर आप लोग के एमकेएस मनोज कुमार ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम आप लोग के बताने वाले हैं झारखंड सरकार ग्रामीण विकास विभाग जोहार परियोजना में जुड़कर लोग किस तरह से आत्मनिर्भर बन रहे हैं। तो चलिए बताते हैं। तो चलिए, हर दिन के भांति हम यहाँ पर रोड में आ चुके हैं और आप लोग के हम वहाँ पर ले चल रहे हैं दोस्तों, जहाँ पर कि हम एक दिन का चूजा पालन करते हैं। इसके बाद फिर हम हर तरह के देखेंगे कि कैसे वहाँ पर दवा टीका ये सब इत्यादि चीज़ किया जाता है, ताकि आप लोग भी इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो ये देखिए, आज मदर यूनिट में पहला एक दिन का चूजा उत्तरी कोयल के मैनेजर के द्वारा यहाँ पर लाया गया है। आप तो यहाँ देखिए, एक दिन का चूजा है। इसका पहले से मदर यूनिट में विधि व्यवस्था बनाया गया था। नीचे भूसी है, इसके बाद ऊपर में पेपर अथी किया है, और जो इस तरह से धतकारा जा रहा है ना, इसलिए कि एक भीर जमा नहीं हो जाए। अगर इस तरह से नहीं देख रेख किया जाए तो एक भीर जमा होकर के एक के ऊपर एक चढ़ करके मर जाएंगे, तो नुकसान हो जाएगा। तो यही है मदर यूनिट में, यहाँ पर 23 दिन तक रखना रहता है, 24वां दिन तक रियरिंग यूनिट में यानी किसानों के पास पीजी सदस्य जो है उनके पास पहुँचाया जाता है 50 चूजा। वो भी अपना शेड तैयार रखते हैं 10x10 के, और उसमें 50 चूजा डालते हैं। तो उसमें देखिए, जिस तरह से आप वो भोजन का प्रबंध करते हैं, भोजन देते हैं, उस तरह से ज़्यादा ग्रोथ होता है और फायदा होता है। तो ये देखिए, यहाँ पर जो है सबसे पहले, तभी हम मदर यूनिट में आज के ब्लॉक्स में दिखा रहे हैं। तो मदर यूनिट में यहाँ पर है कि इस तरह से जो जिसे चूजा आया ना, तो अलग अलग करके इसको रखते हैं ताकि ज़्यादा नहीं हो जाए ना। तो एक भीरा अगर खुला छोड़ देंगे तो पूरा जी फुल हो जाएगा, तो और मर जाते हैं, दब करके मर जाते हैं। तो इसलिए अलग अलग भागों में करना पड़ता है। जैसे जैसे दोस्तों बढ़ते जाते हैं बच्चा लोग, तो वैसे वैसे जगह भी कम पड़ने लगता है। तो यहाँ देखिए, इसको जो है से इस तरह से सब चल रहे हैं, और यहाँ देखिए वैक्सीनेशन किया जा रहा है। तो यहाँ पर 3 डोज दे दिया जाता है। तो एपीएस दीदी के द्वारा यहाँ पर F1 गैमरो और लसोटा का टीका स्वतः यहाँ पर लगा के ऑटोमेटिक दे दिया जाता है, ताकि किसानों के पास जाए तो नुकसान ना हो। तो यहाँ देखिए इस तरह से है दोस्तों, यहाँ देखिए ये सब देख रहे हैं चूजा है। और हम यही जानते हैं कि अगर सोनाली चूजा को पाल करके अच्छा रखा जाए तो 3-3.5 महीने के बाद अंडा देने लायक हो जाती है, और अंडा इतना देती है कि इसका अनलिमिटेड है। तो सबसे ज़्यादा फायदा अंडा में है। तो इसीलिए गन्ना में भी हम बताए थे कि जे कोई महिला कह रही है अपना हस्बैंड को कि बाहर नहीं जाए, हम लोग मिलजुल करके मुर्गी पालन करेंगे जोहार परियोजना के मदद से। तो यहाँ देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। यहाँ देखिए दूसरा टीका लग रहा है, ये है लसोटा का। तो
दोस्तों जिसको पालन करना रहता है पीजी मीटिंग में अपने से डिमांड करते हैं कि हमको इतना चाहिए, तो वहाँ पर जा करके उसका पहले शेड देख लेना पड़ता है कि ठीक ठाक है कि नहीं। उसके लिए देखिए अजोला दीदी लोग डाल रहे हैं, और यहाँ देखिए 10x10 का शेड इस तरह से तैयार होना चाहिए। इसके बाद हम चूजा देते हैं, तो ये देखिए चूजा भी है यहाँ पर डला गया है। तो इसी तरह से वितरण करने समय देखिए दो गो ड्रिंकर, दो फीडर या 10 kg चारा, या और ऑटो से सप्लाई किया जाता है करेट में बांट करके। और दीदी लोग आते हैं अपना डाली टोकरी लेकर के और उसी में ले जाते हैं। तो यहाँ देखिए हम लोग वितरण भी कर रहे हैं इस तरह से, और जब अपना शेड में लोग रखने रहते हैं तो इस तरह से ग्रोथ होने लगता है, बढ़ने लगता है। और इससे मतलब लगातार अगर रेगुलर किया जाए, काम पालन किया जाए, तो हम समझते हैं कि उसका आजीविका में बहुत बढ़िया वृद्धि होगा। जब बढ़ जाएगा तो अपना घर का जो बचा हुआ चारा रहता है उसको भी दे सकते हैं, और अच्छा से ये सब खा लेते हैं। तो ये सब जयहना पर देसमी बलमुआ, जयहना पालायन बलमुआ, घर ही करबै पालनवा। जयहना पर देसमी बलमुआ, घर ही करबै पालनवा। जयहना पालायन बलमुआ, घर ही करबै पालनवा। जयहना तू पालायन बलमुआ, जयहना तू पालायन बलमुआ, घर ही करबै पालनवा। महिला सामू से ले बैलोनवा, जोहार पीजी से ले बई मुर्गी चे गानावा, घर ही करबै पालनवा। जोहार पीजी में तिम्हा डकारी के, तिहबा मुर्गी मंगाई ए बलमू, तिहबा बकरी मंगाई। जोहारा पीजी में तिम्हा डकार के, तिहबा मुर्गी मंगाई ए राजाऊ, तिहबा बकरी मंगाई।